नमस्कार दोस्तों, जब बारे बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ यूपीजी टीजीटी पीजीटी रिक्वायरमेंट आई हुई है, 4163 पोस्ट हैं। तो कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे आपको किस पोस्ट के लिए कितना है, टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए क्या आता है, पूरा डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। क्वालिफिकेशन की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो प्रत्येक डिटेल इसमें रहेगा। इससे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ और आप लोग का प्यार सपोर्ट जरूर मिल रहा है मुझे, और तो इसलिए आशा करता हूँ कि आगे मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है यहाँ देख सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है प्रयागराज परिस्थिति से स्नातक शिक्षक टीजीटी और स्नातक से पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अधिसूचना सूचना पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं पूरा दिया हुआ, टोटल पोस्ट दिया हुआ 4163। अप्लाई स्टार्ट 9/6 से स्टार्ट हो चुका। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। आपको वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर विजिट करके आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल, और अप्लाई करके भी आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको मतलब कि अप्लाई करना है। यहाँ बताया जा रहा है कि रिक्त पदों के लिए अधिकारी सूचना जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं वह क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 9 जून से। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट नेम है, टीजीटी बालक वर्ग के लिए 3213 पोस्ट हैं, टीजीटी बालिका वर्ग के लिए 326 पोस्ट हैं, पीजीटी बालक वर्ग के लिए 549 पोस्ट हैं, पीजीटी बालिका वर्ग के लिए 75 पोस्ट हैं। यहाँ देख सकते हैं जो करिकुलम क्वालिफिकेशन क्या है। टीजीटी बालक वर्ग के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक प्लस बीएड एमएड पीएचडी होना चाहिए। टीजीटी बालिका वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे उम्मीदवार के पास स्नातक बीएड एमएड पीएचडी होना चाहिए, और पीजी बालक पीजीटी जो है उम्मीदवार को संबंधित पीजी प्लस बीएड एमएड और पीएचडी होना चाहिए। पीजीटी जो बालिका वर्ग के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित पीजी में पीजी होना चाहिए और बीएड एमएड और साथ में पीएचडी होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे 21 ईयर्स मिनिमम एज है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है 750 रुपये, यहाँ देख सकते हैं 650 रुपये EWS के लिए, SC ST के लिए 250 रुपये हैं। यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा पीजीटी पोस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पहले रिटर्न होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, यहाँ देख सकते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ देखिए UPTGT रिक्वायरमेंट के लिए वेबसाइट को विजिट करके अप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट, ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिशन होगा, उसके बाद प्रिंट आप अपना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और अप्लाई लास्ट डेट है 3/7/2022 का, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फी 6/7/22 को है, जो कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है 9/7/2022 को है। इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ दिया हुआ और टीजी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पीजीट के लिए भी क्या कर सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं कि अप्लाई ऑन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से पीजीटी कैंडिडेट अप्लाई फॉर 9/6/2022, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं व्यू, यहाँ का व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट, जो ट्रेंड है ग्रेजुएटेड ट्रेजर, तो उसका एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूरा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, यहाँ देखिए संपूर्ण, और आई एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑन करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, यहाँ देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, मदर नेम डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू मैरिड, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ दिया हुआ है नो यस करेंगे, सिटीजन जो सिटीजन है वहाँ डालेंगे, यहाँ देख सकते हैं डोमिसाइल स्टेट अपना डालेंगे, यहाँ पे सभी के लिए कैटेगरी डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ दिया हुआ है स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और तहसील नेम पूरा दिया हुआ है डिटेल, यहाँ भरेंगे, यहाँ पे कौन सा एग्जामिनेशन बोर्ड नेम, ईयर नेम, रोल नंबर, एजुकेशन टाइप यहाँ पूरा दिया हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कितने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितना, डिवीजन कौन सा है, हैव कम्प्लीट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी डालेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे देगा, एजुकेशन डिटेल, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पूरा डिग्री यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, यहाँ से बी ए डिग्री किससे किए हुए हैं, ग्रेजुएट एंड बी डी फॉर फोर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ये भी किए हुए हैं, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे,
या आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही करेंगे वही एड करके प्रीव्यू आप अपना देख सकते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलता रहता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।